वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वाली वीडियो के अंदर हम बिलॉस की अर्बन साइकिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली एक हाइब्रिड कैटेगरी की साइकिल्स की सीरीज है बिलॉस की। भाई मैंने देखा है भाई काफी ज्यादा साइकिल्स पॉपुलर होने लग गई हैं। इनकी जो बिलॉस की वी सीरीज की माउंटेन बाइक्स है ना वो काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। बेसिकली ये एक बांग्लादेशी ब्रांड है, धीरे धीरे करके ये इंडिया में भी ऑफलाइन में मिलना शुरू हो गया। अब पहले इनकी साइकिल्स इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं थी, बट जैसे मैं देख रहा हूँ भाई ऑफलाइन में भी काफी ज्यादा इनकी डीलरशिप्स खोल रही हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम इनकी अर्बन साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो कहीं भी पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, एंड अब सीधा वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अमेज़न से कोई भी चीज़ परचेज करनी है, चाहे वो साइकिल से रिलेटेड हो या फिर आपको कोई घर का सामान हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा अमेज़न का बैंक लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करते ही सीधा अमेज़न पे पहुंचोगे। भाई कोई भी चीज़ परचेज करनी है उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली गाइस इस सीरीज के अंदर आपको तीन साइकिल्स देखने को मिलेंगी, अर्बन 1, 2 एंड 3। ये आपको 25,000 से लेकर के 40,000 तक की साइकिल्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम अर्बन 1 के बारे में बात करने वाले हैं। इस वाली साइकिल के अंदर आपको एक अलॉय फ्रेम देखने को मिलने वाला है। इसमें जो बाकी सारे पार्ट्स हैं जैसे कि सीट पोस्ट हो गया, स्टेम हो गया, हैंडल बार हो गया, वो सब आपको अलॉय बेल्ट देखने को मिलेगा। इसमें एल्युमिनियम पार्ट्स बहुत कम यूज करे गए हैं, एंड उसके साथ ही साथ जो इसमें आपको रिम्स देखने को मिलती हैं वो भी डबल वॉल्ड अलॉय रिम्स रहने वाली है। जो इसमें व्हील साइज देखने को मिलेगा वो 700 cc का रहेगा, एंड जो टायर की विड्थ रहेगी वो 40 cc आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस जो इसमें सस्पेंशन फोर्क आपको देखने को मिलेगा ये SR संदूर का फोर्क रहने वाला है। ये 75mm का फोर्क रहेगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक फोर्क है। इसके अंदर आपको सिर्फ प्रीलोड की सेटिंग देखने को मिलेगी, एंड इसके साथ ही साथ जो साइकिल में ब्रेक्स आते हैं वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स रहने वाले हैं। ये टेक्ट्रो के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स रहेंगे फ्रंट एंड रियर साइड में। अब हम बात करेंगे इसकी ड्राइव ट्रेन के बारे में। इसका जो फ्रंट डिरेलर रहने वाला है वो शिमानो टर्निंग का रहेगा। जो बाकी सारे कंपोनेंट्स रहेंगे वो सारे शिमानो ऑल्टर्स करेंगे, चाहे वो शिफ्टर्स हो, आपका रियर डिरेलर हो, जो कैसेट है, जो आपका क्रैंक सेट है, ये सब आपको शिमानो ऑल्टर्स का देखने मिलेगा। इसमें भाई कैसेट आता है, फ्री व्हील नहीं आता है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्या आपको इस साइकिल के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, मैं बोलूंगा भाई 27,000 रुपए के लिए ये एक अच्छी साइकिल बन के आती है। इसके तरफ आप जा सकते हैं कॉम्पिटिशन में। इस बजट में सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाली काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स आती हैं, बट ये भी एक अच्छा बाय रहने वाला है। ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन इसके प्राइस को देखते हुए अच्छी ही हैं। जो नेक्स्ट साइकिल आती है वो है अर्बन 2। इस साइकिल में भाई ओवरऑल कोई भी डिफरेंस नहीं है अर्बन 1 से, बट इसका जो प्राइस है वो 30,000 रुपये। अब गैप तो भाई 2,000 रुपये का है, वो इसलिए क्योंकि इस साइकिल के अंदर आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, एंड मेरे हिसाब से भाई 2,000 रुपये के प्राइस गैप में आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं। आपको इस साइकिल को ले लेना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन के आते हैं अर्बन 1 से। सिंस अगर आप देखेंगे तो एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक यानी कि खाली फ्रंट का हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक ही आपको 2,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है, जो इसमें लगा हुआ है शिमानो का MT200। कंपनी आपको 30,000 रुपये के अंदर ही हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स भी फिट करके दे रही है। तो बिलॉस की अर्बन 1 से ये एक बेटर ऑप्शन बन के आता है, एंड वहीं पे जो अर्बन 1 है ना वो भी सही प्राइसिंग में प्लेस करी गई है। अब जो नेक्स्ट साइकिल आती है वो है अर्बन 3। अब अर्बन 3 एंड अर्बन 2 के अंदर भाई 10,000 रुपये का प्राइस गैप का डिफरेंस है। अब क्या ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ इट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। ओवरऑल बेसिकली इस साइकिल के अंदर ना फ्रेम के हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो डिफरेंस आता है वो इसके ड्राइव ट्रेन में आता है एंड इसके सस्पेंशन फोर्क में आता है। इसमें होने को 75mm का ही सस्पेंशन फोर्क आता है SR संदूर का, बट ये वाला जो फोर्क है ये लॉकआउट की फंक्शनलिटी के साथ आपको देखने को मिलता है, एक हाइड्रोलिक लॉकआउट फोर्क आपको देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ जो इसकी ड्राइव ट्रेन है ना, होने को ड्राइव ट्रेन भाई बिल्कुल सेम है। इसकी जो ड्राइव ट्रेन है वो 27 स्पीड की देखने मिलेगी, 9 स्पीड का रेयर में शिमानो ऑल्टर्स का ही रेयर डिरेलर आपको देखने मिलता है। जो फ्रंट डिरेलर रहने वाला है वो आपको 3 स्पीड का देखने मिलेगा। इस साइकिल के अंदर भी कैसेट देखने मिलेगा जो कि 9 स्पीड का रहने वाला है। अब भाई 10,000 रुपये का प्राइस क्या है दोनों साइकिल्स के बीच में, क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं? मेरे हिसाब से भाई होने को 40,000 रुपये का जो ये प्राइसिंग है, इसके अंदर जो साइकिल्स आती है ना वो प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ से उनकी बेसिक साइकिल्स शुरू होती है, चाहे वो ट्रैक हो, मरीन हो, ये सारी साइकिल्स की भाई हाइब्रिड साइकिल्स इस प्राइसिंग में तो आपको देखने को मिलती है। बट वो वाली जो साइकिल्स होती हैं वो इस प्राइसिंग में ना बेसिक स्पेसिफिकेशंस ऑफर करती हैं, बट होने को भाई वो काफी ज्यादा बड़े ब्रांड्स है। मेरिटा हो गया, मेरिटा की क्रॉसवे करके हाइब्रिड साइकिल्स की सीरीज आती है, ट्रैक हो गया, ट्रैक की डुअल स्पोर्ट एंड FX सीरीज आती है, मरीन की भी डुअल स्पोर्ट एंड फेयरफैक्स साइकिल्स की सीरीज आती है। मेरे हिसाब से आपको इस साइकिल में ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं है। होने को इस साइकिल की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी ट्रैक या फिर मेरिटा की साइकिल से, बट उनकी जो ओवरऑल साइकिल की क्वालिटी होती है, जो ब्रांड नेम वो लेके आ रही है, उसके लिए भाई एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, एंड मेरे हिसाब से आपको इसके साथ तो नहीं जाना चाहिए। वो साइकिल ज़्यादा बेटर रहेंगी इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। एंड ओवरऑल भाई यही थी बिलॉस की अर्बन साइकिल्स की सीरीज। इसमें बेसिकली 3 साइकिल्स ही आपको देखने को मिलती है। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कौन सी साइकिल के साथ आपको जाना चाहिए एंड किस साइकिल को आपको इग्नोर करना चाहिए। एंड इतने थे इस वाली वीडियो के लिए।
अगर ये वाली वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल को भी दबा देना ताकि जैसे मैं अपने चैनल के ऊपर अपनी न्यू वीडियो को अपलोड करूंगा आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड दैट इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं द गाइड इलस्ट्रेटर पंकज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused.